एवरीवन, गुड इवनिंग। और आप सभी लोग ठीक हो? पढ़ाई वढ़ाई बढ़िया चल रही सबकी? सबसे पहले यूपीपी वाले बताएं उनकी पढ़ाई अच्छी चल रही है, क्योंकि उनका फॉर्म आने वाला है। उसके बाद लेखपाल वाले बताएं उनकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। फिर सीजीएल वाले सीएचएसएल बताएं कि उनकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। एक एक करके बताओ, सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही है? किसी को कोई परेशानी तो नहीं है पढ़ाई को लेके? पढ़ाई को लेके कोई भी इशू हो तो आप क्लियर कर सकते हो। जैसे कुछ बच्चों ने मुझे बताया कि सर थोड़ा सा मुझे सिलेबस के बारे में बता दिया जाए कि एसएससी का सिलेबस क्या है, तो इसके ऊपर हम कल एक क्लास बना देंगे, वीडियो बना देंगे छोटी सी 5-6 मिनट की। आप उसी में सबको समझ लीजिएगा कि एसएससी पूछता क्या है, उसकी वैकेंसीज क्या होती हैं, उसकी क्राइटेरिया क्या है, वैकेंसीज का परफॉर्मेंस क्या होता है, हर साल कितनी वैकेंसीज आती हैं, कट ऑफ क्या होता है, कितनी पोस्टें होती हैं, जितना भी है सब कुछ हम आपको क्लियर करेंगे कि ये सब होता क्या है। उससे पहले सबसे पहले हम आपसे पूछेंगे कल की रीजनिंग क्लास आपकी अच्छी रही? कोई डाउट तो नहीं है रीजनिंग की क्लास में? तो रीजनिंग की क्लास तो हमने बहुत सारी डिस्कस की है। रीजनिंग की क्लास डिस्कस करने से बेहतर मुझे लगा कि रीजनिंग के अच्छे प्रश्नों को प्रैक्टिस कराया जाए। मेरा तो यही मानना है, अगर आपको भी ये सही लगता है तो आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि ये डायरेक्शन सही है या नहीं है, क्योंकि आपकी राय बहुत ज़रूरी है। पढ़ना आपको ही है, हमें पढ़ाना है, दोनों लोगों को एक ही काम करना है, मुझे पढ़ाना है और तुम्हें पढ़ना है। तो जहाँ पे भी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है तो आप पूछ लो, पूछना आपका अधिकार है और हम पूछने के लिए बताने के लिए तैयार हैं। आप पूछने के लिए तैयार रहो तो हम बताने के लिए तैयार हैं, ठीक है? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। कल जहां तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था उसके आगे हमें आज डिस्कस करना है। हम लोगों ने कल आपको लास्ट में ये प्रश्न दिया था कि आपको ये प्रश्न लगा के आना है ना, ये वाला प्रश्न हमने आपको लगाने के लिए दिया था। क्या दिया था? दो बाइकर हैं पी और क्यू एक ही बिंदु से शुरू करते हुए पी उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलाता है, फिर पश्चिम की ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलाता है, फिर अपने दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर बाइक चलाता है, ठीक है? अब आपको हमने एक चीज़ इतना तो आपको याद ही होगा कि इधर पूरब होता है और ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है और ये दक्षिण होता है। इतनी बात तो सबको क्लियर है ना? ये तो मैंने कल ही क्लियर कर लिया था आपके साथ, ये अब कोई डाउट नहीं दे रहा होगा आपको। अब बाइकर कौन से हैं, ये प्रश्न हमने घर के लिए दिया था, कहा था सबको लगाना है। तो दो बाइकर हैं, एक पी है और एक क्यू है, दो बाइकर हैं और पॉइंट एक ही है दोनों का, सॉरी दोनों एक ही पॉइंट चलेंगे। दो बाइकर हैं लेकिन पॉइंट दोनों का एक ही है, एक ही मीन्स पॉइंट का मतलब एक ही स्थान से चलेंगे। अब क्या कह रहा है? पी उत्तर की ओर 8 किलोमीटर बाइक चलाता है, जो पी है वो उत्तर की ओर जाता है, तो पूरा पश्चिम उत्तर, उत्तर की ओर कितना जाता है? 8 किलोमीटर, ठीक है? पी गया है पहले, फिर पश्चिम की ओर मुड़ता है, पश्चिम किधर? इधर, और कितना जाता है? 6 किलोमीटर जाता है पश्चिम की ओर, 6 किलोमीटर गया, फिर अपने दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर बाइक चलाता है। आप समझिएगा, आप इस दिशा में जा रहे हो, यही हमारा पश्चिम है, आपको दाईं ओर मुड़ना है। दाईं ओर मतलब, दाईं ओर का मतलब होता है क्लॉक वाइज मुड़ना है, तो मींस राइट हैंड साइड में मुड़ना है। ऊपर जगह कम पड़ रही, थोड़ा सा क्वेश्चन को हम नीचे ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, यहाँ ले लो। दाईं ओर पी मुड़ जाता है और कितना जाता है? 4 किलोमीटर जाता है, तो दाईं ओर मोड़ दिया और पी को 4 किलोमीटर चला दिया, ठीक। उसके बाद अब क्यों की बात कर रहा है, यहां तक कि हम पहुंच चुके हैं ना, दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर बाइक चलाता है। अब पी यहां पे खड़ा है, पी यहां पे खड़ा है, फिर कह रहा है क्यों पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर बाइक चलाता है। अब क्यों चलता है, क्यों क्यों पश्चिम की ओर जाएगा 4 किलोमीटर, क्यों को हमने 4 किलोमीटर चला दिया, फिर उत्तर की ओर 12 किलोमीटर जाता है, फिर उत्तर की ओर, उत्तर यही दिशा तो होगी, और कितना जाता है? 12 किलोमीटर, इसको हमने 12 किलोमीटर चला दिया। ये 12 किलोमीटर पूरी दूरी हो जाएगी, क्योंकि 8 इतनी और 4 इतनी, तो ये 12 किलोमीटर पूरी दूरी हो जाएगी, ये तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 12 किलोमीटर। मीन्स इस समय क्यों यहाँ पर खड़ा हुआ है, अपने दाईं ओर मुड़कर 9 किलोमीटर बाइक चलाता है। अब आप इस दिशा में जा रहे, दाईं ओर का मतलब राइट हैंड साइड, और कितना चले जाते हो? 9 किलोमीटर। राइट हैंड साइड पे मुड़ते हो, कितना जाते हो? 9 किलोमीटर। क्यों पी के वर्तमान स्थान के संदर्भ में कहाँ है? क्यों जो है यहां पे इस समय खड़ा हुआ है, क्यों?
और पी कहाँ पे खड़ा हुआ, यहाँ पे खड़ा हुआ है, इसका वर्तमान स्थान यही तो है। इसके संदर्भ में पूछा क्या है, क्यों जो है पी के वर्तमान स्थान के संदर्भ में कहाँ है, क्यों जो है पी के संदर्भ में, तो पी से ये कौन सी दिशा होगी, पूरब की दिशा होगी, मीन्स क्यों जो है पूरब दिशा में है, तो पश्चिम वाले दोनों आंसर कट जाएंगे, अब पूरब वाले दोनों आंसर बनेंगे। कितनी दूरी पे है, ये जो बीच की डिस्टेंस है ये कितनी है, बीच की डिस्टेंस ये कितनी है बताइए, ये टोटल 6 किलोमीटर है, ये टोटल 6 किलोमीटर है, अगर इतनी डिस्टेंस 4 किलोमीटर है तो ये बीच वाली डिस्टेंस 2 किलोमीटर होगी, मीन्स ये डिस्टेंस 2 किलोमीटर होगी, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 11 किलोमीटर, तो 11 किलोमीटर कहाँ है, पूर्व में है, बताइए सबका आंसर यही आया था, 11 किलोमीटर पूर्व में ना, कोई डाउट है, बस आपको ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, पहली बात तो इस फिगर को ध्यान रखना है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। फिर उसके बाद कन्फ्यूजन होती है कि जब हमसे कहता दाएं मुड़ो, जब भी दाएं कहे तो घड़ी की दिशा में मुड़ना है, घड़ी की दिशा में मुड़ना है, जब भी कहे बाएं मुड़ो तो घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ना है, कोई डाउट है अभी कहीं पर, आगे बढ़ाया जाए, चलिए अब क्लास स्टार्ट करते हैं, ये तो कल वाला प्रश्न था, अब एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, ठीक है, बहुत अच्छे से समझिएगा सभी लोग, बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रश्न है ये, इसको इधर बुला लेते हैं अपने पास में, प्रश्न को आओ यहाँ आ जाओ, ठीक, अब इस प्रश्न को समझना, कह रहा है एक मोटरसाइकिल पश्चिम दिशा में जा रही है, अब समझिएगा ये यहाँ पे आप एक पॉइंट मान लो, ठीक है, तो ये पूरब होता है ये पश्चिम होता है, यहाँ से एक मोटरसाइकिल जो है पश्चिम दिशा में जा रही है, जा रही है, वह अपनी बाई ओर 45 डिग्री मुड़ती है, अब समझिएगा जब भी डिग्री में मुड़ना हो तो ये जो प्लस वाला आपका चिन्ह है इसको जरूर बनाना, ये चिन्ह जरूर बनाइएगा, बिना इसके कभी भैया मोड़ना नहीं, अगर आप बिना इसके मोड़ दे तो तुरंत गलत मोड़ दोगे, बहुत सारे बच्चे होते हैं उल्टा मोड़ देते हैं, अब समझिएगा एक बात और समझाते हैं, जैसे ये है, ये टोटल कोण होता है 90 डिग्री की, ये पूरा कोण 90 डिग्री का होता है, जैसे 45 डिग्री की बात करेगा तो इसका आधा कर दोगे कितना हो जाएगा, ये 45 डिग्री और ये 45 डिग्री, बात क्लियर हो गई, बात क्लियर है, तो अब हमसे कहा कि ये मोटरसाइकिल जा रही है, ये मोटरसाइकिल जा रही है, यहाँ पे जा रही ना, महसूस करो कि मोटरसाइकिल जा रही है और उसको 45 डिग्री मुड़ना है, तो ये मोटरसाइकिल यहाँ से जा रही है, जब भी मोड़ोगे तो इस पॉइंट से मोड़ दोगे, जो मेन इसका डॉक्टर वाला मेन पॉइंट जहाँ से दोनों कट करेंगे एक दूसरे को वहीं से मोड़ देंगे, तो यहाँ से जब आप ये जा रही है तो वह अपने बाई ओर 45 डिग्री मुड़ती है, ये भी ध्यान रखिएगा, जब दाई ओर कहेगा तो घड़ी की दिशा में मुड़ेंगे, जब बाई ओर कहेगा तो घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ेंगे, समझ गए, तो बाई ओर 45 डिग्री मीन्स ये देखो 45 डिग्री हमने मोड़ दिया, मुड़ गई, ध्यान रखिएगा 45 डिग्री मीन्स इसका आधा, 90 डिग्री कहता तो पूरा मोड़ देते, और कभी भी इधर बैक में मत मोड़िएगा, आप आगे जा रहे हो हमेशा गाड़ी को आगे मोड़ना, पीछे मत मोड़ देना, ठीक, जब दायां कहेगा तो ऊपर मोड़ेंगे, बायां कहेगा तो नीचे मोड़ेंगे, दायां कहेगा तो घड़ी की दिशा में मोड़ेंगे, बायां कहेगा तो घड़ी के विपरीत दिशा में मोड़ देंगे, बात क्लियर है, अब ये 45 डिग्री ये गाड़ी आ गई यहाँ पे, अब आगे क्या कह रहा, और 3 किलोमीटर चलती है, मतलब ये 3 किलोमीटर गाड़ी चलाई गई फिर से, फिर वह अपने बाएं ओर 90 डिग्री मुड़ जाती है, फिर से क्वेश्चन, बाएं ओर ही मुड़ना है, ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बनाओगे, ये वाला चिन्ह बनाओगे, ये वाला चिन्ह बनाओगे, और गाड़ी ये जा रही है, गाड़ी ये जा रही है, इसको मानना कि गाड़ी जा रही है, ठीक है, एक मिनट ये चिन्ह सही से बना लेते हैं, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, ये चिन्ह नहीं बनाओगे अच्छे से तो क्वेश्चन का आंसर फिर आपको समझाने में परेशानी होगी, ये गाड़ी निकल के आई, ठीक है, अब यहाँ पे यही वाला चिन्ह बनाओ बिल्कुल ऐसे ही, और ये गाड़ी को निकालो कि गाड़ी आगे निकल रही है, देखो ये गाड़ी जा रही है, ठीक है, अब बाएं मुड़ना है मीन्स एंटी क्लॉकवाइज मुड़ना है, कितना मुड़ना है 90 डिग्री, समझिएगा, तो ये कितना है 45 डिग्री, और यहाँ इसका आधा कर दोगे तो कितना होगा 45 डिग्री, मीन्स टोटल ये कितना हो गया 90 डिग्री, तो गाड़ी देखो मुड़ गई, ये देखो गाड़ी अब इस दिशा में आ गई, 90 डिग्री गाड़ी मुड़ गई एंटी क्लॉकवाइज, बाएं कहा था इसलिए एंटी क्लॉकवाइज मोड़ दिया, ठीक है, बाएं कहा था तो एंटी क्लॉकवाइज, दाएं कहता तो ऊपर मोड़ देते, अब गाड़ी देखो इस दिशा में चलने लगी, चलने लगी,
फिर वह 180 डिग्री मुड़ती है। अब समझना 180 डिग्री मुड़ना, देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मतलब ये बहुत ही बेस्ट प्रश्न है। अब गाड़ी यहाँ निकल रही है, देखो ये देखो गाड़ी जा रही है, ये गाड़ी जा रही है। अब जब उसने ये नहीं कहा अब जब उसने ये नहीं कहा कि गाड़ी दाएं मुड़ती है बाएं मुड़ती, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर गाड़ी 180 डिग्री मुड़ी तो वो जिस दिशा में थी मुड़ के उसी दिशा में पहुंच जाएगी। ये देखो ये है, क्योंकि 180 डिग्री का कोण ये पूरा होता है, 180 डिग्री का मतलब आप इस दिशा से इस दिशा में पहुंचोगे तो 180 डिग्री, आप यहां से यहां पहुंचोगे तब भी 180 डिग्री, आप यहां से यहां पहुंचोगे तब भी 180 डिग्री, पूरा पूरा। आप ऐसे खड़े हो, ऐसे एक लाइन में खड़े हो, आप ऐसे गोल बन गए तो ये 180 डिग्री होता है, और जब ये पूरा कोण बनता है तो कितना बन जाता है, 360 डिग्री का बन जाता है। ठीक है, बात क्लियर है। तो जब 180 डिग्री मुड़ना था यहाँ पे, अब समझिएगा इसको, ये लाइन यहाँ पे हमारी गाड़ी जा रही थी, ये यहाँ पे चिन्ह बना था और ये गाड़ी निकल रही थी। ये देखो ये 45 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये टोटल बन जाएगा 180 डिग्री। मीन्स गाड़ी अब इस दिशा में फिर चलने लगी, गाड़ी इस दिशा में आ गई ना, गाड़ी इस दिशा में आ गई है। अब आपकी आपकी गाड़ी अब इस दिशा में देखो चल रही है, महसूस करो गाड़ी आपकी चल रही है इस दिशा में। अब पूछा है मोटरसाइकिल अब किस दिशा में है, गाड़ी अब इस दिशा में है, और ये वाली दिशा क्या होती है हमारी, सुनिएगा, ये दिशा हमारी कौन सी होती है, ये हमारी पूरब, ये हमारी पश्चिम, और ये हमारी उत्तर, ये वाली दिशा होती उत्तर पश्चिम। तो आंसर आ जाएगा आपका उत्तर पश्चिम। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये वाला, मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रश्न है, ऐसा बेहतरीन प्रश्न सभी पेपर में पूछा जाए मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि जो अच्छे से पढ़े होंगे, जो इस चीज को समझ रहे होंगे, इस बात को जो नहीं समझे भैया, उनके लिए प्रश्न आसान नहीं होगा, वो प्रश्न को क्वेश्चन को मोड़ ही नहीं पाएंगे कि कहां मोड़ें। हमेशा ध्यान रखना है गाड़ी को सीधे निकालना है, सीधे निकालते हुए गाड़ी मोड़ना है, और जब तक डॉक्टर वाला चिन्ह मत बना लेना तब तक मोड़ना नहीं बाबू। बिना डॉक्टर वाले चिन्ह बनाए अगर आपने मोड़ दिया तो क्वेश्चन गलत लगा डालोगे। ठीक है, तो इस चिन्ह को बनाना फिर मोड़ना। 45 डिग्री कहता है दाएं कहता है तो एंटी क्लॉकवाइज मोड़ो, बाएं कहता है तो क्लॉकवाइज मोड़ो। देख लो एक बार, आप लोग समझ लो, अगर कहीं कोई डाउट हो तो पूछो। आगे बढ़ाया जाए फिर, चलिए आइए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा, सभी लोग कमेंट करके। कह रहा है 16 हैज 8 इक्वल टू 10 है, फिर लिखे कि ना लिखे, चलो एक बार लिख देते हैं इसके बाद नहीं लिखेंगे। 15 हैज 3 इक्वल टू 25 है, 16 हैज 4 इक्वल टू 20 है, किसका आंसर आ गया जल्दी बताओ, किसका आया कमेंट करो फास्ट। 12 हैज 4 का आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ कितने लोगों का आंसर आ गया, जल्दी कमेंट करिए, हम देख रहे हैं कौन कौन कमेंट कर रहा है, किसका आंसर आ रहा है किसका नहीं आ रहा, बताओ भैया किसका आया किसका नहीं आया, अभी आ गया सबका, चलो देखो मैच कराओ आंसर आपका सही आया या गलत आया। ये 10 आ रहा है, अब बड़ी समस्या कि इसका आंसर कैसे लाया जाए। अगर इस 16 को इस 8 से डिवाइड कर दिया जाए तो 8 दुनी 16 और इसमें 5 का गुणा कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा 10। यही काम यहां करो, इस 15 को इस 3 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा 5 और इसमें भी 5 का गुणा कर दो तो 25। यही काम यहां करो, इस 16 को 4 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा 4 और इसमें 5 से गुणा कर दो 20। बस आ गया आंसर, 12 को 4 से डिवाइड करो कितना आएगा 3, इसमें 5 से गुणा करोगे कितना जाएगा 15। देखो आंसर आ गया 15, ये देखिए, बताइए कोई परेशानी आपको कहीं पर कोई डाउट, जल्दी से नोट करिए, बढ़िया प्रश्न है ये भी, थोड़ा सा माइंड यूज करना होता है ऐसे प्रश्नों में। आगे बढ़ाया जाए, आइए फिर एक बेहतरीन प्रश्न और रक्त संबंध से ब्लड रिलेशन से बढ़िया प्रश्न है ये भी। कह रहा है ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए हैज बी का अर्थ है ए बी की माता है, ए स्टार बी का अर्थ है ए बी का पिता है, तो पी स्टार क्यू एट द रेट आर हैज एस का अर्थ क्या होगा। ठीक,
अब एक एक लाइन को इसमें पेपर में प्रश्न को समझना होता है। सबसे पहले हम पी स्टार क्यू के संबंध को मेंटेन करेंगे। पी स्टार क्यू मीन्स यहाँ पे आएगा ए स्टार बी, इसके संबंध को देखिएगा क्या कह रहा है। इसमें संबंध क्या कह रहा है बाबू, बताओ जल्दी से। इस वाले संबंध में क्या कह रहा है, कह रहा ए बी का पिता है। ए स्टार बी के संबंध में कह रहा है ए बी का पिता है, तो यहाँ पे पी स्टार क्यों है, तो पी क्या हो जाएगा, क्यों का पिता हो जाएगा, हो जाएगा। मीन्स ये जो है इसका क्या हो जाएगा, बेटा हो जाएगा, हो जाएगा। यही तो कहा, ए जो है पहला वाला जो है वो दूसरे वाले का क्या है, पिता है। तो यहाँ पे भी जो पहला वाला होगा वो दूसरे वाले का क्या होगा, पिता होगा। अगर ये पिता होगा तो ये बेटा होगा, कोई डाउट। आगे आइए, अब आते हैं दूसरे वाले संबंध को लेते हैं। अब इसके और इसके बीच में क्यों एट द रेट आर के बीच में अगला संबंध है, क्यों एट द रेट आर। तो आइए यहाँ पे आइएगा, ए एट द रेट बी का अर्थ है, पहला वाला कह रहा है ए जो है वो बी की बहन है। मीन्स क्यू जो है वो आर की क्या है, बहन है। क्यू जो है आर की बहन है। अब बहन है तो ये बेटा नहीं होगा, तो ये बिटिया हो जाएगी इनकी ना, ये पिता है तो ये बिटिया हो जाएगी, बेटा नहीं है तो क्या होने से। इससे पहले क्लियर नहीं था बेटा या बिटिया, अगर ये इसकी बहन है तो ये इसकी बिटिया ही है, ठीक है। ये मतलब ये दोनों ये हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, ये दोनों हो सकते हैं ना। अब अगले संबंध पे आइएगा, अगला वाला देखते हैं। अगला वाला अब क्या है, आर हैज बी, आर हैज बी। तो यहाँ पे आइएगा, ए हैज बी है कहीं पर, ये देखिए ए हैज बी का अर्थ है ए बी की माता है। ए क्या है, बी की माता है। मीन्स आर जो है वो एस की क्या है, माता है। आर जो है एस की क्या है, माता है। अगर ये भी लड़की है और ये भी लड़की है तो ये दोनों क्या होंगे, बहन बहन होंगे। इन दोनों का संबंध क्या हो जाएगा, बहन बहन का हो जाएगा। ये दोनों आपस में क्या हैं, बहन हैं, और ये इसकी क्या है, बेटी है। अब क्या पूछा आपसे, अब क्या है, अच्छा पी एस का पिता है। अब चेक करते हैं कहाँ क्या संबंध है, पी जो है वो एस का पिता है ये कहा, फिर क्या कह रहा है, पी एस का पुत्र है, फिर क्या कह रहा है, पी एस का दादा है, फिर क्या कह रहा है, पी एस के दादा या नाना हैं, ऐसे क्वेश्चन कह रहा। चलो अब आपको समझाते हैं संबंध कैसे बनाया जाता है, फिगर जब बन जाए तो इसके संबंध को कैसे मेंटेन करोगे, ये बहुत जरूरी समझना। अब समझिएगा, अब ये आप बेटा या बेटी जो भी हो, आप हमेशा अपने आप को ये मानना कि ये आप हो, सुनते जाइएगा, ये आप हो और ये आपकी माता है मतलब आपकी मम्मी है, और ये मम्मी की बहन है मतलब आपकी मौसी है, और ये मौसी के पिता हैं मींस आपके मम्मी के भी पिता हैं, आपके मम्मी के भी पिता हैं, आपके मम्मी के पिता हैं। अगर मौसी के पिता हैं तो आपके मम्मी के भी पिता हैं, तो मम्मी के पिता आपके क्या होते हैं, नाना होते हैं। तो पी का एस से क्या संबंध होगा, दादा या नाना का। बात क्लियर हो गई। ऐसे इस तरह के फिगर को मेंटेन करना होता है, एक एक चीज को बनाना होता है टाइप वाइज, एक एक चीज को सेट करना होता है कैसे ये क्वेश्चन लगाए जाते हैं, ठीक है। बताइए कोई डाउट है किसी को, आगे बढ़ाया जाए, आइए आइए। कह रहा है दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है। दिए गए विकल्पों में उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। इसमें आपको ये बताना है कि इसका संबंध जो इससे है, इसका संबंध जो इससे है, इसी का संबंध इससे किससे होगा। आप समझिएगा, अमीटर जो है, ए मीटर जो है, इससे हम लोग धारा नापते हैं। धारा किससे नापी जाती है, अमीटर से। तो सिस्मोग्राफ से क्या नापा जाता है, भूकंप नापा जाता है। देखो भूकंप दिया गया, सिस्मोग्राफ से क्या नापेंगे, भूकंप नापेंगे, ठीक। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया ये वाला। आइए, मधुमक्खी के समूह को झुंड कहते हैं, मधुमक्खी के समूह को झुंड कहते हैं। तो सवार के समूह को क्या कहते हैं, घुड़सवार। तो सवार के समूह को क्या कहेंगे, घुड़सवार दल। जब सवार का मतलब किसी चीज के ऊपर बैठा हुआ, मधुमक्खी का जो समूह होता है उसको झुंड बोलते हैं, वैसे सवार के समूह को क्या बोलते हैं, घुड़सवार दल बोलते हैं। फिर एक बेहतरीन प्रश्न,
पंद्रह हैज तीन का मतलब नौ है, पंद्रह हैज तीन का मतलब कितना है नौ। वैसे ही दस हैज दो का मतलब क्या है चार, वैसे ही दो हैज बीस का मतलब क्या है आठ, तो वैसे ही दो हैज पच्चीस का मतलब क्या होगा। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है इस बात को समझिएगा। अगर हम पंद्रह का तीन में गुणा कर दें और इसको पाँच से डिवाइड कर दें तो पाँच तें पंद्रह और तीन त्रिका नौ, देखो नौ आ रहा है। वही काम यहाँ करते हैं, दस में दो का गुणा कर दें और पाँच से डिवाइड कर दें तो पाँच दुनी दस, दो दुनी चार। वही काम यहाँ पे करें कि दो गुणे बीस बटे में पाँच कर दें और पाँच चौको बीस, चार दुनी आठ, देखो आठ आ रहा है। देखो यहाँ पे नौ था, यहाँ पे चार था, यहाँ पे आठ है, देखो आठ आ रहा है, चार आ रहा है, नौ आ रहा है। मीन्स हमारे द्वारा लगाया गया रूल क्या है, सही वही रूल यहाँ पे लगा दो, दो गुणे पच्चीस बटे में पाँच, तो पचहम पच्चीस और पाँच दुनी दस, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा दस। बताओ कोई परेशानी किसी को, कोई डाउट कहीं पर पूछो जल्दी से बेटा, कहीं पर कोई डाउट हो तो आप जल्दी से पूछिए, कोई डाउट नहीं आगे बढ़ाया जाए। आइए एक सीरीज का प्रश्न है, बढ़िया सीरीज का प्रश्न है, बेहतरीन होगा उम्मीद है, क्योंकि हमारे प्रश्न जितने भी होंगे सब बेहतरीन ही होंगे। आइए सीरीज दिया गया 11 कौमा 12 कौमा 23 कौमा 35 कौमा 58 कौमा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आइए अब देखिएगा कि इसके और इसके बीच में गैपिंग कितने की, एक की है ना, और इसके बीच में गैपिंग कितने की 11 की, इसके और इसके बीच में गैपिंग कितने की 12 की, इसके और इसके बीच में गैपिंग कितने की 23 की, तो इसके और इसके बीच में गैपिंग कितने की होगी ना, यही तो है। तो देखो ये 11 देखो यहां पे दिख रहा है, ये 12 देखो यहां पे दिख रहा है, ये 23 देखो यहां पे दिख रहा है, ये 35 देखो यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि 11 ये वाला उठ के आया यहाँ पे तो इसमें जोड़ दिया तो कितना आ गया 23, ये 12 उठकर यहाँ पे आया तो 23 में जोड़ दिया कितना आया 25, ये 23 उठ के यहाँ गया 35 में जोड़ दिया तो कितना आ गया 58, ये 35 उठ के यहाँ पे आएगा 58 में जोड़ दोगे तो अगली वाली संख्या आ जाएगी 8 5 13 का 3 हाथ से लगेगा 8 1 5 3 8 1 9, देखो 93 है आंसर। ये देखिए बताइए, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। कोई परेशानी किसी को, कोई डाउट कहीं पर जल्दी से पूछिए भैया, कहीं पर कोई डाउट है आगे बढ़ाया जाए, जल्दी जल्दी कमेंट कर दो भैया सभी लोग, अगर कहीं पर कोई डाउट है तो हम आपके डाउट को क्लियर कर लें। चलिए आगे आते हैं, ई एफ जी, ई एफ जी को 5 6 7 लिखते हैं, ई एफ जी को 5 6 7 लिखते हैं, तो ओ पी क्यू को क्या लिखेंगे। अब देखिए कितना आसान प्रश्न था, ई की वैल्यू ही 5 होती, एफ की वैल्यू 6 होती, जी की वैल्यू 7 होती, तो ओ की वैल्यू 15 होती है, पी की वैल्यू 16 होती है और इसकी 17 होती है, तो 15 16 17 देखिए है आंसर में। ये देखिए ये तो बहुत आसान था, इसमें तो कुछ करना ही था, मतलब जो ए बी सी डी की प्लेस वैल्यू होती है ए से लेकर जेड तक की 26 गिनतियाँ उनके ऊपर लिख दीजिएगा, उसकी प्लेस वैल्यू को ही ले लिया गया। ठीक, उसकी प्लेस वैल्यू को ले लिया गया। आइए बांग्लादेश की जो मुद्रा है वो क्या है, ढाका है, नहीं मुद्रा ढाका नहीं है, मुद्रा तो टका है, बांग्लादेश की जो राजधानी है हमें लगता है वो है ढाका, तो इटली की राजधानी क्या है रोम, बांग्लादेश की राजधानी जो है वो ढाका है, तो इटली की राजधानी क्या है रोम है, बांग्लादेश की मुद्रा जो है टका है। चले आगे बढ़ा जाए, क्लियर है, और आप इन लोग की राजधानी देख लेना ये कहाँ कहाँ की हैं, कौन कौन से देश की राजधानी दी गई है। ठीक है, आइए दिया गया है अगला एक कोडिंग का क्वेश्चन है, दिया गया है कोरस, सी एच ओ आर यू एस, कोरस को लिखते हैं पी आई डी टी वी एस, सिंगर को क्या लिखेंगे इसको पूछा, एस आई एन जी ई आर, सिंगर को क्या लिखेंगे, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। चलिए ये 3 पे होता है, ये 8 पे, ये 15 पे, ये 17 पे, ये 21 पे और ये 19 पे ना, ये हमने सही लिखा है या गलत लिखा है, आर वाले को गलत लिखा है, चलो किसी को तो कम से कम पता था,
नहीं तो गलती लिखा रहता, 18 पे होता है, आर 18 पे होता है, ठीक है। आइए आगे देखिएगा, पी कितने पे होता है, 16 पे, आई कितने पे, 9 पे, 4 पे, 20 पे, यू वी 22 पे और एस 19 पे। चलिए चेक करिए कौन क्या हो रहा है, क्या मैटर लग रहा है। देखिए ये दिख रहा है हमें, ओ में एक जोड़ा गया 16, 8 में एक जोड़ा गया 9, 3 में एक जोड़ा गया तो 4, सब में एक जोड़ा गया। यहाँ पे भी यही करो, 19 में एक जोड़ा गया 20, 21 में एक जोड़ा गया 22, 18 में एक जोड़ा गया 19। मीन से तीन तीन में पोर्शन को डिवाइड करके सब में एक 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 ऐड कर दिया, तो वहाँ भी आप भी तीन तीन में डिवाइड करो, एस 19 पे, आई 9 पे, ये 14 पे, 14 में एक जोड़ोगे 15, 15 का मतलब ओ, 9 में एक 10 जोड़ोगे मतलब जे, 10 पे जे होता है, 19 एक 20, 20 का मतलब टी, तो ओ जी टी, देखो ओ जी टी, ये देखो यहाँ पे ओ जी टी, यहाँ पे ये दोनों तो आंसर नहीं होंगे। आइए जी कितने पे होता है, 7 पे, ई 5 पे, ये 18 पे, 18 एक 19, 19 का मतलब एस, 5 एक 6 मतलब एफ, जी एक 6 एक 7 एक 8, 8 का मतलब एच, एस एफ एच, देखिए बन गया, समझ गया। बहुत ही अच्छा प्रश्न था, ये भी बहुत ही बेहतरीन प्रश्न था। कोई डाउट किसी को कहीं पर, कोई डाउट हो तो बताइए जल्दी से। आइए अगला क्वेश्चन लिया जाए, चलिए अगला प्रश्न दिया गया, बताइए कि दिए गए शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जितने कि उस शब्द के साथ साथ अंग्रेजी वर्णमाला में भी उन दोनों के बीच आते हैं। ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छा है, ठीक है। एक अंग्रेजी वर्णमाला का शब्द दिया गया है, इसमें इसमें आपको जोड़े बनाने हैं और ऐसे जोड़े बनाने हैं कि उसके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला के उतने ही शब्द आने चाहिए। देखिए पहला जैसे जोड़ा हो गया एस टी, एस के बाद टी आता है, दूसरा जोड़ा हो गया आर एस, आर एस होता है, तीसरा जोड़ा हो गया आर एस टी, हो गया तो तीन जो बनेंगे, बताइए कोई परेशानी। इसमें जोड़ा बनाना होता है उसके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला के शब्द गुजरने चाहिए, जैसे कि हमने एक लिख दिया ए बी ई और डी, तो हमने कहा यहाँ पे कोई जोड़ा है, तो आप बताओगे ए बी सी डी, ये जोड़ा है। देखो पढ़ने पर पूरा पूरा शब्द आ रहा है ए बी सी, यहाँ पे ई है लेकिन हम इसको सी पढ़ेंगे, क्योंकि हमें जोड़ा ऐसा बनाना है कि उसके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला के शब्द गुजरने चाहिए, बस और कुछ नहीं होना चाहिए। वो शब्द यहाँ पे आए या ना आए, लेकिन हम उसको कहेंगे वो सी ही है, ठीक है, हमें जोड़ा बनाना है। बताइए कोई बात क्लियर हुई। ऐसे प्रश्न की एक हम क्लास कर लेते हैं, लगभग 4-5 प्रश्नों की कल ही क्लास करते हैं, ऐसे एक बेहतरीन क्वेश्चंस की क्लास कर लेते हैं और आपको समझा देते हैं अच्छे अच्छे प्रश्नों को, जहां से पेपर प्रश्न पूछता है ना, जहां से लगातार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ये क्वेश्चन कल पढ़ाते हैं, हाँ ये क्वेश्चन पढ़ा देते हैं, समझिएगा क्योंकि इन सब में समय नहीं लगेगा, जो क्वेश्चन छोड़ रहे वो कल पढ़ाएंगे। कह रहा है बड़े अक्षरों में एक शब्द दिया गया है, इसके पश्चात 4 शब्द दिए गए हैं, दिए गए अक्षरों को मिलाकर इनमें से केवल एक शब्द को नहीं बनाया जा सकता है, तो एक शब्द दिया गया रिवोल्यूशनरी, एक शब्द दिया गया, इससे इनमें से कोई एक शब्द ऐसा जो नहीं बनाया जा सकता, जो शब्दों से इसमें जो शब्द हैं इसमें जिसमें वही शब्द पूरे पूरे होंगे वो शब्द बनेगा, और जो शब्द इसमें पूरे पूरे नहीं होंगे, कोई भी एक शब्द बाहर से जाएगा वो शब्द नहीं बन पाएगा। और मैच कराते हैं रिवोल्ट, देखो आर है, ई है, वी है, ओ है, एल है, टी है, तो ये बन जाएगा ट्रेल, टी आर ए आई एल, ट्रेल भी बन जाएगा। अब वोकेशन है और वॉलंटरी है, ठीक है, ये वी ओ एल यू, वी ओ एल यू है, एन है, एन देखो है यहाँ पे ना, एन है, फिर टी है, ये देखो टी भी है, फिर ए है, ए भी है, आर वाई भी है, ये देखो ये भी बन जाएगा, मीन्स ये वोकेशन नहीं बनेगा। और इसको चेक करते हैं है कि नहीं, देखते हैं बनेगा कि नहीं बनेगा। चलो देखो वी ओ सी, यहाँ पे एक शब्द सी आ गया, देखो यहाँ कहीं पे सी है क्या, इसमें सी नहीं, मतलब यही नहीं बनेगा, तो आपका आंसर यही होगा कि इस वाले शब्द से ये शब्द नहीं बनाए जा सकते हैं। बताइए कोई डाउट कहीं पर। तो ऐसे भी कल की क्लास में हम एक क्लास जो डिस्कस करेंगे उसमें इस तरह के हम सभी प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं, जहाँ से आपके पेपर में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप एक प्रश्न का उत्तर देंगे और फिर आगे हम लोग कल क्लास कंटिन्यू करेंगे। देखिए अभी थोड़ा सा हेल्थ प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई, इसलिए हम छोटी छोटी क्लासेस पढ़ा रहे हैं, जैसे ही पूरी तरीके से ठीक होते हैं थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, इस वजह से हम लंबी क्लासेस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो हम आपको क्लासेस देते रहेंगे, रेगुलर रहेंगे, कोशिश यही है,
कि प्रॉब्लम ना हो ज़्यादा से ज़्यादा, बीच में डिस्टर्बेंस हुई क्योंकि हेल्थ प्रॉब्लम है हमारे साथ, मैं हमेशा बताता हूँ, आप थोड़ा सा दुखी भी होते होंगे, थोड़ा सा खुश भी होते होंगे कि चलो तुम बीमारी रहो ठीक ही है। ठीक, तो इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है लगा के। हम कल इस प्रश्न का जो जवाब है कल वाली क्लास में देंगे आपको, ठीक है। कल वाली क्लास में हम शुरुआत यहीं से करेंगे। अभी भी बहुत प्रश्न पढ़ाने हैं और बहुत क्वेश्चंस के रीजनिंग, हमने बहुत ही नए प्रश्नों का कलेक्शन किया है, हमें नए प्रश्न की क्लास आपको बहुत ही बेहतरीन क्लास देने हैं, ये मैं जल्दी से जल्दी अरेंजमेंट करके आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। बस कल से और नए क्वेश्चन जुड़ने वाले हैं आपके साथ, कुछ बेहतरीन क्लास और होने वाली कल से, तो कल से और लगातार जोड़ते रहो ज्यादा लोगों को और तुम भी लगातार पढ़ते रहो। चलो फिर इस क्वेश्चन का जवाब दो, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, अगर नहीं लगता है तो कल की क्लास में इसका जवाब आपको मिलेगा कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, हंसते रहो मुस्कुराते रहो और पढ़ते रहो।